बिना मतलब की मूर्ति लगाई उससे कोई फायदा नहीं है। सरकारी खर्चे से जो आप अपना काम करोगे ये तो जनता का पैसा है, आप अपने शौक मौज में खर्चा करोगे ये नहीं चलेगा। ये सब यमुना नदी है उसको साफ करने में पैसा लगाइए, इसका कोई यूज नहीं है। इसमें आपने लखनऊ में बनवा लिया, यहाँ पे बनवा दिया, कोई यूज नहीं है इस चीज का। 2009 में मायावती के खिलाफ एक याचिका दायर होती है कि उन्होंने जितने भी मूर्ति और स्मारक बनाए हैं उनमें सिर्फ बेफिजूली खर्चा किया है। सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आता है, फैसले में ये आता है कि मायावती को जितना भी पैसा मूर्तियों और स्मारकों के ऊपर खर्च किया था वो सरकार को वापस करना होगा। तो चलिए जानते हैं हमारी जनता से कि वो क्या सोचती है इस बारे में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है, बिकॉज ये बिल्कुल वेस्टेज वेस्ट है। अगर ये पैसा अगर आप यूपी के डेवलपमेंट में लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही बोला, जितना पैसा उन्होंने अपनी मूर्ति में लगाया था अगर वही पैसा एजुकेशन में लगता, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और जो हॉस्पिटल्स नहीं है यहाँ पर यूपी में उसमें लगता तो काफ़ी सुधार हो जाता। बच्चों की एजुकेशन अगर हो जाती बढ़िया तो यहाँ पर यूपी का स्तर भी काफ़ी अच्छा हो जाता। यहीं से आईएएस ऑफिसर निकलते जाते यूपी से और बिहार से, तो एजुकेशन का स्तर सुधरता और हॉस्पिटल का एजुकेशन सुधर जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता। ये बिना मतलब की मूर्ति लगाई उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सरकारी खर्चे से जो आप अपना काम करोगे ये तो जनता का पैसा है, वो पैसा आप अपने शौक मौज में खर्चा करोगे ये नहीं चलेगा। ये सब ये सरकारी खजाने का पैसा है, ये वापस करना पड़ेगा इनको किसी भी सूरत में। और इसमें भी अब कहेंगे कि मोदी ने कर दिया, जबकि सबको पता है कि सपा शासन काल में अखिलेश यादव ने खुद लिखित में दिए हैं। 5 साल के अंदर आपने देखा होगा कि आपने जितने भी हमले हुए हैं बहुत कम हुए हैं, ठीक है। और जो आप पिछले 15 साल में या 10 साल या 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें आप देख लो, उसका रेशियो आप कंपैरिजन कर लो, आप गूगल पर सर्च कर लो, उसमें रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। पहले जो हमले होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, अब नहीं होते। वो चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, मतलब जैसे जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये नहीं रही कि बच्चों की एजुकेशन हो, हेल्थ के ऊपर पैसा स्पेंड हो। और उनकी जो नेता हैं उनकी प्रायोरिटी ये रही है कि अपनी पार्टियों को बढ़ाया जाए, और मतलब तो उसका कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है। मतलब जो इंडिया के साथ जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुए थे, जैसे कोरिया है, जापान है, कोरिया है, और मतलब ये सिंगापुर वगैरह, इवन चाइना, वो इंडिया से बहुत आगे निकल गए हैं। तो इंडिया में क्या है कि बेसिक हेल्थ और बेसिक एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट बहुत कम स्पेंड करती है, और वो जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। पर जब इतना पैसा आप दूसरी चीज़ों में लगा रहे हो तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको पैसा वापस करना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, इनको करना चाहिए। और पब्लिक को भी ये फील होगा कि मतलब अगर हमारे पास सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, तो उसका क्या कारण है। मतलब यही कारण है कि मतलब ये लोग सही से पैसा स्पेंड नहीं करते और घोटाले होते हैं, तो उसमें ये लोग पैसा मतलब इधर उधर कर देते हैं, दूसरी कंट्री में ले जाते हैं। तो इन लोगों की जिम्मेदारी है।